इस बार तो उनकी कैंपेन में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा नजर आ रही है। बिलाल भुट्टो साहब की जो आवाज है वो तो हमें बुलंद नजर आ रही है, लेकिन ये नई जनरेशन आप देख रहे हैं लॉन्च हुई है, आपके ख्याल में इसका इजाफी फायदा होगा पीपल्स पार्टी को, नया वोटर अट्रैक्ट होगा, क्या होगा? डेफिनेटली होगा। देखें, एक तो बिलावल साहब इज द ओनली लीडर जो यूथ के लीडर हैं, जो फ्यूचर के लीडर हैं, और फिर उनकी कंपेन अगर आसिफा साथ में चला रही हैं और बिलावल हों तो बाकी 70 साल के लोग हैं जो कंपेन कर रहे हैं। तो यूथ को ये भी सोचना चाहिए कि इमरान था जो यूथ का नाम लेता था कि खुद 70+ का था, और फिर उसके बाद जब बिलावल की तनकीद करता तो कहता था कि ये भी बच्चा है। तो एक्चुअली जो जेन्युइन लीडरशिप है यूथ की, वो तो बिलावल साहब के पास है। और मेरा ख्याल है कि जो बात भी वो कर रहा है कि इस मुल्क में जो डिवाइड है, जो तकसीम हो गई है, लोग नफरत की सियासत कर रहे हैं, वो नैरेटिव इंटरली उसके अगेंस्ट दे रहा है और कह रहा है कि मुझे ये इंतकामी सियासत नहीं करनी, मुझे तो लोगों को आगे लेके जाना है, मुल्क को जोड़ना है। आई थिंक यही मुल्क को ज़रूरत है और यही सोच है जो मुल्क को क्राइसिस से निकाल सकती है।